गाजीबाद के सिविल लाइन्स इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक सुबह सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने धीरे धीरे इतना विकराल रूप ले लिया कि मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। जब इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, तो एहतियातन मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की कतार लग गई। दरअसल गाजीबाद के घंटाघर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में तड़के सुबह करीब 3:30 पर अचानक से आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बगल की गत्ता फैक्ट्री को भी अपने लपेटे में ले लिया, जिसके बाद दमकल विभाग को नोएडा और हापुड़ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगानी पड़ी। एक बार इन तस्वीरों को देखिए, आग के गुब्बार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर रही होगी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग केमिकल फैक्ट्री की आग पर काबू पाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन आग के लपेटे में आई गत्ता फैक्ट्री की भीषण आग को काबू पाने में कई घंटे लग गए। बताया जा रहा है कि करीब 17 दमकल गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद गत्ता फैक्ट्री की आग पर काबू पाया गया। खैर, अब दोनों फैक्ट्रियों की आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और इस हादसे में लाखों रुपए का माल तो फैक्ट्रियों का खाक हो गया, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कम से कम अच्छा तो ये रहा कि रात में इन फैक्ट्रियों में काम बंद रहता है, जिसके चलते फैक्ट्रियों में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था।